हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट पीसीआर क्या है पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक है ये पीसीआर काम कैसे करता है जैसे फोटोकॉपी मशीन काम करती है ना कि एक पेपर है उसके आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए वैसे ही आप जो भी जीन का चार एम्प्लीफिकेशन करना और किसी डीएनए का चार एम्पलीफिकेशन करना और डीएनए सीक्वेंस का फीस एम्पलीफाई करना मल्टीपल कॉपीज चाहिए आप वो कर सकते हैं पीसीआर के हेल्प से ठीक है अब ये जो पीसीआर है ये क्या करता है ये आपको कहीं पर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग रहा है ठीक है वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस आप क्या कर सकते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एम्पलीफाइंग दैट न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर ठीक है तो आप क्या देखते हैं इनिशियल फेज में जो सिम्टम्स होंगे उस डिजीज के इतने विजिबल नहीं होते हैं पर आपने पहले उसको एम्पलीफाई करके देख लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया है इसका इन्फेक्शन है और इससे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं ठीक है तो ये सब चीज आपको पता चल जाता है तो यहां लिख देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक है वायरस के इन्फेक्शन इसके बाद आप डिटेक्ट कर सकते हैं Uh, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं एच आई वी एड्स पेशेंट और आप देखते हैं इसको यूज किया जाता है म्यूटेशन देखने के लिए म्यूटेशन इन जीन्स इनसस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट पावरफुल टेक्निक है जिसके हेल्प से आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देख सकते हैं तो यहां पर देखिए क्या दिया एच सस्पेक्टेड पेशेंट इसको डिटेक्ट किया जा सकता है पीसीआर से नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट पीसीआर इज नाउ रूटीनली इव टू डिटेक्ट एच आईविंग पेशेंट करेक्ट है म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट करेक्ट है मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये भी करेक्ट है करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन डी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीआर क्लास ट्वेल्ल पेज नंबर वन एटी थ्री पर